आप लोग देख रहे हैं लगातार यूट्यूब चैनल हमारा, स्वागत है पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। मैं प्रेम वाजपेयी, पत्रकार रेवसा सीतापुर। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की चल रही परीक्षाओं में एक मुन्नी भाई पकड़ी गई, जो कि एक दूसरी छात्रा और अपनी सगी बहन के स्थान पर वो परीक्षा दे रही थी। और अभी गत दिनों आप लोगों ने देखा था कि वही का प्रकरण है, उसी ग्राम सभा का है, अजयपुर का मामला, जहां पे अभी गत दिनों एक छात्र पकड़ा गया था प्रथम पाली में, और फिर आज 25 फरवरी 2019 की सुबह फिर एक लड़की पकड़ी गई, अपनी बहन के सगी बहन के स्थान पर परीक्षा दे रही थी परवीन, और जिसके स्थान पर वो परीक्षा दे रही थी वो शिवा थी। ये दोनों और तीन लोगों पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है रेवसा थाने में। विनोद कुमार प्रभारी मिश्र ने बताया कि परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत 419, 420 बी और 3/6 परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एक सहायक अध्यापक है उसी मदरसे का, और ये लड़की तारिकुल उलूम मदरसे अजयपुर की छात्रा थी, जिसका सेंटर मालती प्रसाद रेवसा विकास खंड के अमलोरा में आया था, और वहीं आज इसका प्रवेश पत्र के जब सचल दल ने गहन निरीक्षण कर रहे थे तभी पता चला कि जो है इसका प्रवेश पत्र में इसकी फ़ोटो मिलान की गई, लेकिन फ़ोटो नहीं मिल पाया। और उसको कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो पका गई, और बीमारी का बहाना बताते हुए जो है अनेकों बहाने बताए। और इसी संज्ञान में स्कूल के प्रबंध तंत्र आने लोगों ने जो है पुलिस को सूचना देते हुए महिला पुलिस के साथ में कस्टडी में कर दिया, और तत्काल उसको गिरफ्तार कर रेवसा थाना ले आई। और आपको बताते चलें कि जिन पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है, शिवा के स्थान पर ये परीक्षा दे रही थी परवीन, और ये पुत्री हैं शफीक की, निवासी अजयपुर, मदरसा है तारिकुल उलूम, और एक सहायक अध्यापक यजदानी मोहम्मद अजदानी जो सहायक अध्यापक हैं वो उस स्कूल के, और जो मदरसे के जिनकी सह पर ये अंदर प्रवेश किया और परीक्षा दूसरे स्थान पर ये दिला रहे थे यजदानी, इन पे भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आप लोग हमारे पास वीडियोस और फोटो हैं, आप लोग देख सकते हैं पुलिस उनको गिरफ्त में है, महिला कांस्टेबल के साथ में वो ले जाती हुई पुलिस। कितना ये लोग दबंग हैं, इतनी कड़ाई भाजपा सरकार में होने के बावजूद भी, नकल विहीन परीक्षा कराने के बावजूद भी हिम्मत की दाद देनी होगी ऐसे इस मदरसों के अध्यापकों की और इन बच्चों की, कि इन लोगों को कूट कूट करके जो है यही सिखाया जाता है कि आप लोग यही करें, क्रूरता पूर्वक जो है और कानून और उल्लंघन करते हुए किस प्रकार से ये लोग हावी हैं इस मुस्लिम बिरादरी के। आज भी इन लोगों की कमी नहीं है दुष्टता की, किस प्रकार से ये लोग कानून और कायदों को तोड़कर अपने नियम कानून बना रहे हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ये सब्सक्राइब करें, और पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। शिवा, पिताजी का नाम? शफीक। कहाँ रहती हो? अजयपुर। तुमको यहाँ पर किसने लाया था देने के लिए परीक्षा? क्या नाम है मौलाना जी का? इस्दानी। क्या कहा था? चलो आज मेरी बहन के समय तक दे रही थी, इसीलिए हम आ जाते हैं। किसके स्थान पर दे रही थी परीक्षा? शिवा। नहीं नहीं तुम्हारा नाम शिवा है? नहीं, मेरा नाम परवीन है। परवीन है, और परीक्षा किसके स्थान पर दे रही थी? शिवा। शिवा, शिवा किसकी लड़की है? मेरी बहन है। मतलब अपनी सगी बहन है तुम्हारी? जी। सगी सर में दर्द हो रही थी इसीलिए। सगी बहन के स्थान पर आप दे रहे थे? जी। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपका? जाबिर। जाबिर, और ये मौलाना कौन है आपके?
इन्हीं के स्कूल में पढ़ती हो? जी। क्या नाम है इनके मदरसे का? मदरसे का नाम नहीं जानते। तो दूसरे का स्थान पर क्यों पेपर देने आई? नहीं, ये मौलाना ने कहा था देने के लिए? जी। अच्छा, पकड़े गए निकलची को और साथ में उसके अवरक्षक ने जो है पुलिस के अवरक्षक ने और पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती हुई गाड़ी से अपनी रवसा थाना अपेक्षक और इसके पहले भी यहां पे एक लड़का पकड़ा गया था वहीं का और दूसरा एक लड़की मुन्नी भाई पकड़ी गई पुलिस ले जाती है।